गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे आई विल टीच यू मैथ मैथमेटिक्स चैप्टर 100 एंड आवर करेंसी क्वाइज एंड नोट्स। मींस आपको इसमें क्वाइज के बारे में एंड नोट्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट वी गिव मनी क्वाइज एंड नोट्स व्हेन यू बाय थिंग। सम कॉमनली यूज क्वाइज आर 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। तो मीन्स की जो हमारे क्वाइज होते हैं उनको हम सिक्के बोलते हैं, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 का होता है, 5 का होता है, 10 का होता है, तो ये हमारे कॉइन्स होते हैं। और नोट तो हमारी 5 रुपये की होती है, 10 की होती है, 20 की, 50 की, ओके, 10, 20, 50, 100, 500 और 1000, ओके। तो फर्स्ट हम पहले कॉइन्स के बारे में बताएंगे आपको, ओके। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। और फर्स्ट ये हमारे दिख रहे थे यहाँ पे 50 पैसे। 50 पैसे मीन्स हिंदी में इसको हम बोलते हैं 50 पैसे। पहले 50 पैसे चलते थे बट अब नहीं चलते हैं, तो ये हमारे जो 50 पैसे है इसको हम 50 पैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50 पैसे। सेकेंड हमारे यहाँ टू आपको ब्लैकबोर्ड पर दिख रहे थे कॉइन्स कितने का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है, हमारा 2 का है, तो यहाँ पे लिखिए 2 रुपीज। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे लिखिए 5 रुपीज। यहाँ पे 10 का है, 10 रुपीज। तो ये हमारे कॉइन्स हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉइन्स। ये हमारे कॉइन्स है, ये फर्स्ट 50 रुपीज, 50 पैसा मतलब कि 50 पैसा, 1 रुपीज मतलब 1 रुपए, 2 रुपीज मीन्स 2 रुपए, 5 रुपीज मीन्स 5 रुपए, 10 रुपीज मीन्स 10 रुपए, ओके। 10 रुपीज मीन्स की 10 का कॉइन है, ये हमारा 50 पैसे का कॉइन है, ये 1 रुपीज का कॉइन है, ये 2 रुपीज का कॉइन है, ये 5 रुपीज का कॉइन है, ये 10 रुपीज का कॉइन है। अब हम आपको नोट के बारे में बताएंगे, ओके। हमने कॉइन्स के बारे में तो बता दिया कि 50 पैसे, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज होते हैं। एंड अब आपको नोट के बारे में बताएंगे, आप लोग को नोट आप लोगों ने देखे भी होंगे इसको। फर्स्ट लुक एट द बैक बोर्ड, ओके। फर्स्ट रूम में आपका बना हुआ है 1 रुपये का नोट। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम नोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ओके। तो फर्स्ट में आपका 1 रुपये का नोट, ओके। सेकेंड है 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का। तो फर्स्ट लिख रहे हैं 1, ये 1 का नोट है, ये 2 का 2 रुपीज का नोट है, ये 5 रुपीज का नोट, 10 रुपीज का नोट, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 है, 2000 के नोट। तो ये हमारे 1 की नोट है, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000। तो ये हमारे सारे नोट्स में आते हैं, किस में आते हैं हमारे, ये सारे हमारे नोट्स में आते हैं। जो क्वाइंस होते हैं वो हमारे सिक्के होते हैं एंड ये हमारे नोट्स होते हैं। क्वाइंस मीन सिक्के एंड नोट्स मीन ये हमारे नोट्स है, ओके। तो आपको इन दोनों में से डिफरेंस पता लग गया होगा कि नोट्स क्या होते हैं एंड क्वाइंस क्या होते हैं। पेज नंबर 105 एक्टिविटी रिजॉर्ट काउंट हाउ मच मैनी आर, ओके। मैं आपको ये करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर काउंट हाउ मच मनी आर, ओके। मीन्स कि आपको इनको प्लस करके इस बॉक्स में आपको फिल करने की, ये 5 रुपीज, 2 रुपीज, 2 रुपीज, 1 रुपीज, ये सबको हमने ऐड किया। मीन इन लोगों को, जैसे आप कहीं शॉप पे जाते हैं और आप कुछ लेते हैं, आप जैसे कि 10 रुपये आप देते हैं तो आपको 5 रुपये का सामान मिल जाता है, तो आपको कैसे पता हो कि हमने 5 का
लिए थे केक का, सोचो एक कि हमने पेंसिल ले ली, दो रुपये की हमने इरेजर ले ली, एंड एक रुपये की हमने कोई नोटबुक ले ली, या एक रुपये कुछ और, तो उन सबको हमने एक एक रुपये को जोड़ा तो हमारे कितने रुपये बनते हैं, 5 बनते हैं। तो उसी चीज़ को हम इसमें पैसों को हमने ऐड करना बताया कि इन पैसों को हमने ऐड किया तो हमारे यहाँ पे कितने, जैसे कि आपको 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 2 रुपये, इतने अगर आपको इतने पैसे मिल गए तो आपको इनको कैसे बताएंगे कि टोटल ये कितने हैं, तो आपको वही इसमें बताने हैं। ओके, तो फर्स्ट में आपको देख रहे हैं कॉइन्स हैं हमारे, ये 5 रुपीज़ का कॉइन्स है, ये 2 का है, एंड ये भी 2 का, एंड ये 1, तो ये हमारे जो पूरे सारे कॉइन्स हैं ये हमारे सिक्के, तो इनको ये हमारे 5 रुपीज़ का एंड 2 का, तो 5 और 2 7, एंड 2 7 टू 5 और 2 7, और 2 का एक हो गया 7 8 9, एंड 1, तो हमारे यहाँ पर 10 हो गया। ओके, 5 2 7 7, तो ये 2 है, 8 9, एंड ये 10, तो ये हमारे टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, इन सबको हमने ऐड किया टोटल किए थे, हमारे टोटल हमारे ये 10 रुपये बनते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। ओके, बी देखिए, 5 का कॉइन है, 2 का कॉइन, 1 का कॉइन, एंड 1 1 1, तो 5, और जैसे कि आपको 5 रुपीज़ मतलब 5 रुपये का सिक्का है, 2 का मिल गया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि वे हमारे पास टोटल कितने पैसे हैं, तो यही आपको यहाँ पर बता रहा है, ये 5 रुपये का कॉइन है, ये 2 का, तो 5 एंड 2, तो हमारे 7 हुए, 7, फिर ये 1 रुपये और हो गए, 7 8, फिर एक और मिल गया 9, फिर एक और मिल गया, तो हमारा आ गया 10, 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हमारा आ गया 10, तो हमारे ये हो गए टोटल हमारे 10 हो गए। ओके, सी देखिए, ये हमारे नोट्स हैं, ये 2 हमारे नोट्स हैं, ये 2 हमारे कॉइन्स हैं, तो ये हमारा 10 का नोट है, एंड ये हमारा 5 का, तो 10 और 5 हमारे 15 हो गए, 15 और 2 15, 16 17 अरे 19, तो ये हमारे टोटल हमारे कितने हो गए, 19 रुपीज़ हो गए, हमारे पूरे 19 रुपये हो गए, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 19। एक बार और हम देखेंगे, 10 5 15 16 17 and 18, 10 5 15 16 17 and 18, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18, तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 18 रुपीज़ हो गए, 18 रुपये हो गए। ओके, डी देखिए, ये 10 का नोट है, एंड 10 का नोट है, ये 5 और 2 के कॉइन्स है, तो 10 10 हमारे 20 हो गए, एंड 5 कॉइन का हमने ऐड किया तो 25 हो गया, 25 और 2 हमारे हो गए 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27 रुपीज़, मतलब कि 27 रुपये हो गए हमारे ही टोटल, ही सबको हमने टोटल किया तो हमारे यहाँ पे 27 रुपये बनते हैं, 27 बनते हैं। ओके, देखिए, ये 10 की नोट है, 5 का नोट, एंड 5 का, तो इन सबको हम टोटल करेंगे कि हमारे पास टोटल कितने रुपए हुए हैं। ओके, तो हमारे 10 5 15 एंड 5, तो हमारे हो गए टोटल 20, तो ये हमारे टोटल, देखिए ये हमारा 20 का नोट है, ये हमारे 10 का नोट है, ये हमारे 5 का नोट है, तो 20 और 10 हमारे 30, 30 एंड 5 हमारे हो गए 50, तो हमारे टोटल कितने रुपीज़ बन गए, 35 बन गए, कितने बन गए, 35। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से पैसों को ऐड करना आना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्लास में आप हो, जैसे कि आपको 100 रुपये, 10 या 5 रुपये या 200 का नोट मिल गया, तो आप सब लोग सबको टोटल करके आप बता सकते हैं कि आपके पास टोटल कितने रुपये हैं, तो आप अगर किस तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ भी आ जाएगी। ओके जी, देखिए 50 का नोट है, ये हमारा 20 का, ये हमारे 10 का, तो इन सबको, जैसे कि आपके पास 50 रुपये, आपकी मदर ने आपको 50 रुपये दिए, आपके फादर ने आपको 20 दिए, या आपकी ग्रैंड मदर ने 20 दिए, तो अब आप तीनों का, मदर का, फादर का, एंड ग्रैंड मदर का, तीनों के पैसे को ऐड करके आप बताएंगे कि आपके कितने हो गए, तो आप समझ लीजिए 50 रुपीज़ आपके फादर ने दिए, 20 आपकी मदर ने, एंड 10 आपकी ग्रैंड मदर ने। ओके, तो आपको इन तीनों के पैसों को प्लस करके बताना है टोटल कि आपके पास टोटल कितने रुपए हुए, तो 50 20 हमारे हो गए कितने, 70 एंड 80 हो गए हमारे 80, तो आपके ग्रैंड मदर, फादर, मदर एंड ग्रैंड मदर तीनों के पैसे मिला के आपके यहाँ पे कितने बनते हैं, 50 और 20 रुपीज़ मिला के हमारे हो गए 70 एंड 10 हमारे बनाए तो हमारे हो गए 80, तो यहाँ पे हमारे जी में टोटल रुपीज हमारे हो गए 80।
नहीं होंगे। एच देखिए 50 10 10 5, तो ये हमारे पास कितने रुपीज है, कितने करोड़ है, 50 का है, 10 का, 10 का एंड 5 का, तो 5 10 60 एंड 10 70 एंड 5 हमारा हो गया 75। टोटल आपके पास कितने रुपीज हो गए, 75 हो गए, 75 रुपए हो गए। ओके आई देखिए 100 50 एंड 10, ये हमारे 100 का नोट है, ये हमारे 50 का नोट है एंड ये हमारे 10 का नोट है। अब इन तीनों को हमको ऐड करके टोटल बताने कि हमारे पास टोटल कितने रुपए बनते हैं। तो 10 100 हो गया, 150 150 एंड 10 हमारे हो गए 60। तो 160 आपके टोटल पैसे हो गए 160 रुपए। तो आपका ये पेज नंबर 105 का आपका ये एक्टिविटी रिजल्ट कंप्लीट हो गया। ओके एंड आपका होमवर्क है, योर पेज नंबर 106, योर होमवर्क इज सर्कल द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी। ओके योर होमवर्क इज सर्कल द करेक्ट अमाउंट ऑफ मनी। तो ये आपकी जो है ये आपका टोटल होमवर्क है ए से एच तक का। ओके एंड जो चैप्टर नंबर ये चैप्टर इज आवर करेंसी कंप्लीटेड। ओके ऑल ऑफ यू थैंक यू।